हाय, आई एम कौनिन सिद्दीकी एंड वेलकम टू मेड परस्पेक्ट। आज हम एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करेंगे। हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुकी थी। इस वीडियो में मैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करूंगी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में, फेलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवरीज के बारे में और उसके आस पास के लिगामेंट्स के बारे में। गायनेकोलॉजी पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप एनाटॉमी थ्रूली रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं पता होगा तो आप एबनॉर्मलिटीज़ कैसे पढ़ेंगे। सो बिगिन करते हैं ये वीडियो को। सो ये देखिए, ये वजाइना है, ये यूट्रस है, ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब्स है, जिसको यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो हम एक एक स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स देखेंगे और फिर पूरे का ब्लड सप्लाई देखेंगे और आसपास के लिगामेंट्स देखेंगे। तो ये देखिए, ये यूट्रस है। तो यूट्रस ये जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स एंटर हो रही है एंडोमेट्रियल कैविटी में, ये देखिए, ये पेरीमेट्रियम है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। बीच का लेयर है मायोमेट्रियम, जो कि मस्क्यूलर लेयर है यूट्रस का, और अंदर का एंडोमेट्रियम है। तो जहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब एंटर हो रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम, ये देखिए ये पार्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉर्नू बोलेंगे, ठीक है, जो यूट्रस का पार्ट है। ठीक है, यूट्रस क्या, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप का यूट्रस, राइट। तो ये जो आसपास की, ये जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब एंटर होती है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्नू बोलेंगे। अभी ऊपर का देखते हैं, ये देखिए, फेलोपियन ट्यूब के लेवल के जो ऊपर का पार्ट है, ये पार्ट यूट्रस का, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और फिर बाद में नीचे आएंगे, ये बॉडी प्रॉपर हो गया और ये इतना पार्ट सर्विक्स हो गया यूट्रस का। सर्विक्स में भी देखिए, जो ये देखिए दो ओपनिंग है आपको, इधर इंटरनल ऑस दिख रहा है ऊपर, इंटरनल ऑस। तो ये देखिए, जहाँ पर है ना सर्विक्स यूट्राइन कैविटी में ओपन होता है, ये देखिए यूट्राइन कैविटी में जहाँ पर सर्विक्स ओपन हो रहा है, तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑस। और जहाँ पर सर्विक्स वजाइना में ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है वजाइना में सर्विक्स, तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल ऑस। फिर देखिए, सर्विक्स मोस्टली किससे कंपोज है, कनेक्टिव टिश्यू से। सिर्फ 10% सर्विक्स का मसल्स है, और जबकि अगर आप पूरा यूट्रस देखेंगे तो ये देखिए, इसका मस्क्यूलर लेयर ज़्यादा है, राइट। तो यूट्रस किससे कंपोज है, मेनली मसल से, और मस्क्यूलर लेयर को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और देखिए, ये यूट्रस का जो अंदर का लेयर है, ये वाला लेयर, ठीक है, अंदर का जो हिस्सा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो सर्विक्स बोलेंगे। और जबकि जो बाहर का हिस्सा है, ये देखिए, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये हिस्सा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टो सर्विक्स बोलेंगे। फिर देखिए, अगर मैं पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रही हूँ, पर स्पेक्यूलेशन एग्जामिनेशन कर रही हूँ, तो जो सर्विक्स का हिस्सा हमें दिखेगा वो क्या कौन सा दिखेगा, एक्टो सर्विक्स दिखेगा, ये वाला हिस्सा विजिबल रहेगा, राइट। सो अब देखिए, ये जो सर्विक्स बाहर निकल रहा है और वजाइनल कैविटी में, तो ये देखिए, ये एक रेसस बना रहा है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है इधर, ये देखिए, ये वजाइनल कैविटी में क्या बना रहा है, ये देखिए ये पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वजाइनल फॉर्निक्स बोलेंगे, ठीक है। जो ये रेसस है वजाइनल कैविटी का, जो सर्विक्स से सराउंडेड है, उसको हम वजाइनल फॉर्निक्स बोलेंगे। तो ये कितने रेसस बनेगा, 4 रेसस बनेगा। तो अभी जो विजिबल है वो क्या है, लैटरल रेसस, लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना विजिबल है। अभी हम बात करते हैं, ये मैं सब टॉपिक्स आगे, मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, तो ये सब टॉपिक्स आपको
डिटेल में आगे भी पता चलेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन इसलिए करा दी क्योंकि आगे जब बताऊंगी तो आपको वो फेमिलियर साउंड हो। सो अभी हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए ये ओवरी है, ओवरी के एक मीडियली लिगामेंट जा रहा है और ये देखिए ये लैटरली एक लिगामेंट जा रहा है, राइट। सो जो मीडियली कनेक्ट हो रहा है ओवरी को, ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये ओवेरियन लिगामेंट है। देखिए ओवेरियन लिगामेंट है जो ओवरी को मीडियली कनेक्ट कर रहा है, और जो लैटरली कनेक्ट कर रहा है पेल्विक वॉल से, उसको क्या बोलेंगे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी इसको बोलते हैं। फिर बाद में ये देखिए, ये पूरी ब्रॉड लिगामेंट, ये देखिए ये जो ब्रॉड लिगामेंट है वो पूरा यूट्रस को कवर कर रहा है, ओवरीज यूट्रस को कवर कर रहा है, ओवरीज को भी कनेक्ट कर रहा है अपने आप से, और फेलोपियन ट्यूब को भी कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये देखिए जो हिस्सा यूट्रस को कवर कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट का, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं। देन ये देखिए जो पार्ट फेलोपियन ट्यूब का ब्रॉड लिगामेंट को जॉइंट हो रहा है, उस पार्ट को हम मीजोसेल्फिंग्स बोलेंगे। और अगर मैं इधर से कट करूँगी, इधर से ठीक ऐसे कट करूँगी, तो ओवरी के पीछे भी ओवरी के पीछे भी ब्रॉड लिगामेंट का हिस्सा है जो ओवरी को अपने आप से कनेक्ट कर रहा है, तो उसको वो हिस्से को क्या बोलेंगे, मीजो ओवेरियम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये देखिए ये डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो यूट्राइन कैविटी से ब्रॉड लिगामेंट ज्वाइन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, मीजोमेट्रियम, जो कि येलो पोर्शन डायग्राम में है। और जो फेलोपियन ट्यूब से ब्रॉड लिगामेंट जो फेलोपियन ट्यूब को कवर कर रहा है वो पोर्शन क्या बोलेंगे, मीजोसेल्फिंग्स। और देखिए इधर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी, तो ओवरी को जो ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है वो देखिए ये रेड में दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, मीजो ओवेरियम। अभी देखिए ये ओवरी है, पिछले डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि देखिए मीडियली क्या कनेक्ट करता है ओवरी को, लिगामेंट ऑफ ओवरी, और लैटरली सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए अभी हम बात करेंगे पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन की। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक ये इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है पेरिटोनियम, और एक इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये देखिए मैं एक यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये एक्सटर्नल एक्टोसर्विक्स है, एंडोसर्विक्स है, ये मैं एक्टोसर्विक्स बनाती हूँ, देन ये यूट्राइन कैविटी, ओके। सो ये देखिए ये जो ये देखिए ये एक्टोसर्विक्स है, ये एंडोसर्विक्स है, ये एक्टोसर्विक्स है, और फिर बाद में ये है कैविटी प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि इंटरनल लॉस है और यहाँ पर एक्सटर्नल लॉस है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरनल लॉस दो है,
यहाँ पर ये पोर्शन को एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस बोलेंगे और नीचे वाले को हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस बोलेंगे। तो एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस के जो बीच का हिस्सा है ये पोर्शन, ऊपर एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस है और नीचे हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस है, तो इसके बीच का जो पोर्शन रहेगा उसको हम इस्टिमस बोलेंगे। ठीक है, तो किसका एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस कौन सा पार्ट है? सर्विक्स का, जो बॉडी ऑफ यूट्रस में ये हो रहा है, एंटर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस को? उसको बोलते हैं नेक ऑफ द यूट्रस, और वो नैरोएस्ट पोर्शन है। और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस उसके नीचे, तो द एरिया बिटवीन द एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस, उसको वो एरिया को हम क्या बोलेंगे कि इस्टेमस बोलेंगे। इस्टेमस क्या करता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। ठीक है, सो लेबर के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको है ना पता होना चाहिए कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहाँ पर है। तो लेबर के टाइम पे वो क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेच होता है और बड़ा होता है। ठीक है, सो अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में देखेंगे तो इस्टेमस का साइज़ 0.5 सेंटीमीटर रहेगा, और प्रेगनेंसी में वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है उसका साइज़। टर्म पे उसका 5 सेंटीमीटर साइज रहता है और लेबर के टाइम पे 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ इस्टेमस, फॉर्मेशन ऑफ एल यू एस लोअर यूट्राइन सेगमेंट किससे फॉर्म होता है? इस्टेमस से। इसमें आ गया होगा, सो मैंने आपको इस्टेमस इसलिए समझाया है क्योंकि देखिए ये जो यूट्रोवेसिकल फोल्ड है पेरिटोनियम का, ए भाई क्या है, ये यूट्रोवेसिकल फोल्ड इस्टेमस के लेवल पे ये होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये जो लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये इस्टेमस के लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर बाद में ये हमें क्यों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट फॉर्म करता है, तो हम एग्जैक्टली अगर हम ये यूट्रो वेसिकल फोल्ड को रिकग्नाइज कर पाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस्टेमस के लेवल पे फोल्ड होता है, तो हमें इस्टेमस तक पहुंचना होगा, तो हम ये एक लैंडमार्क है। ठीक है, तो हम इधर से आराम से इधर इंसिजन दे सकते हैं और इस्टेमस तक पहुंच सकते हैं। देन अभी पोस्टीरियर फोल्ड की बात करते हैं, तो ये देखिए ये रेट्रो यूट्राइन फोल्ड की बात करते हैं, तो रेट्रो यूट्राइन फोल्ड को क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये वजाइना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें अभी हमें ये एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉर्निक्स दिख रहा है। ये देखिए ये जो आगे वाला है वजाइना, एक सेकेंड, ये देखिए जो आगे वाला वजाइना का लाइनिंग है वो एंटीरियर फॉर्निक्स है, और पीछे वाले को हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं। और पहले के वीडियो में मैंने आपको लैटरल फॉर्निक्स सिखा चुकी हूँ, तो अगर आप नोट करेंगे तो एंटीरियर फॉर्निक्स की लेंथ कम है और पोस्टीरियर फॉर्निक्स की लेंथ ज़्यादा है। एंटीरियर फॉर्निक्स है ना 7.5 सेंटीमीटर तक होता है और पोस्टीरियर फॉर्निक्स 9 सेंटीमीटर तक होता है, 9.5। सो 2.5 to 3 सेंटीमीटर का इधर डिफरेंस होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉर्निक्स में। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए ये जो अपना रेट्रो यूट्राइन पाउच है या पाउच ऑफ डकलेस है, तो उधर है ना, ये देखिए पोस्टीरियर लाइनिंग कितनी पोस्टीरियर फॉर्निक्स से कितना क्लोज है, सिर्फ एक पेरिटोनियल फोल्ड की ये है और क्या बोलते हैं बीच में है, और हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना से पाउच ऑफ डकलेस में एंटर कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर पाउच ऑफ डकलेस में कुछ भी पस फॉर्मेशन हुई या कुछ भी कलेक्ट करना हो हमें ब्लड या पस फॉर्मेशन हो गई तो हम आराम से है ना ये वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में एक इंसर्शन दे सकते हैं, सिर्फ बीच में एक पेरिटोनियल फोल्ड आएगा और हम पाउच ऑफ डकलेस में होगा, तो उसको कुलडू सिंथेसिस बोलते हैं, कुलडू सिंथेसिस में भी काम आता है और कॉल्पोटॉमी में भी काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए इसकी हमने पहले ही बात कर दिया है यूट्रो वेसिकल फोल्ड की कि ये ईस्टेमस के लेवल पे रिफ्लेक्ट होते हैं या पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन। अभी हम बात करते हैं यूट्रस की, अरे वजाइना की बात करते हैं। तो देखिए वजाइना क्या है, वजाइना डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो कि यूट्राइन कैविटी को किससे कनेक्ट कर रहा है, वाल्वा से कनेक्ट कर रहा है, राइट। और अभी हमने बात की थी पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन की, तो वो क्या है, एक सीरोसल कवरिंग है। तो अभी हमने बोला था कि है ना सिर्फ उसका पोस्टीरियर फॉर्निक्स ये होता है, तो पोस्टीरियरली सिर्फ है ना ये सीरोसल कवरिंग ये होती है, क्या बोलते हैं, मतलब सीरोसल कवरिंग से कनेक्ट होता है, मतलब पोस्टीरियरली सिर्फ उसके पास सीरोसल कवरिंग है बस, बाकी कहीं पर भी वजाइना के पास सीरोसल कवरिंग नहीं है। और अगर मैंने पहले ही बोला था ये देखिए ये एक्टोसर्विक्स है, तो एक्टोसर्विक्स क्या करता है, अपर वजाइना को किस में डिवाइड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल फॉर्निक्स में, और फिर बाद में उसका डीपेस्ट ये एंटीरियर फॉर्निक्स कितने एंटीरियर वॉल कितने सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की है, पोस्टीरियर वॉल कितने सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है। तो आगे वाला जो रहेगा वो सॉलोएस्ट फॉर्निक्स रहेगा और पीछे वाला जो रहेगा वो डीपेस्ट फॉर्निक्स रहेगा, तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स क्या डीपेस्ट फॉर्निक्स है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, अगर हम इधर से एक है ना क्रॉस सेक्शन लेंगे तो है ना वजाइना कौन से शेप का रहेगा, एच शेप का दिखेगा हमें। और वजाइना के पास खुद की म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है, वजाइना के पास कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, तो वजाइना का जो डिस्चार्ज आता है, जो वजाइना में मॉइस्टनेस रहती है, जो सिक्रीशंस आते हैं, तो वो वजाइना से डिराइव नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ऊपर एंडोसर्विक्स में एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंडोमेट्रियम में है, और इधर बार्थोलिन ग्लैंड्स है। यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड है, राइट। तो सारी सिक्रीशन जो वजाइनल सिक्रीशन होती है तो वो कहाँ से डिराइव होती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड से, एंडोसर्वाइकल ग्लैंड से और बार्थोलिन ग्लैंड से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वजाइनल फॉर्निक्स का बहुत अच्छा डायग्राम है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए ये हम है ना स्पेक्यूलम से देख रहे हैं तो हमको ऐसा दिखेगा, तो ये देखिए जो एक्टोसर्विक्स है वो वजाइना को चार हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये देखिए ये लैटरल फॉर्निक्स है, ये एंटीरियर फॉर्निक्स है और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। तो एंटीरियर फॉर्निक्स से क्या आपको इधर दिख रहा है, ये एंटीरियर वॉल कितने सेंटीमीटर की थी, 7.5 सेंटीमीटर की, और पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की थी। और देखिए पेरिटोनियम कैसे इधर ही सिर्फ पोस्टीरियरली ही पेरिटोनियम टच कर रहा है वजाइना को, एंटीरियरली नहीं कर रहा है, तो सिर्फ है ना पोस्टीरियरली ये सीरोसल कवरिंग है वजाइना के पास और कहीं पर भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर लैटरल फॉर्निक्स आपको विजिबल, बहुत अच्छे से विजिबल है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप आराम से इसको समझ सके। लास्ट वीडियो में मैंने ये ज़्यादा थियरी इंक्लूड नहीं की थी, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया था, तो मुझे बहुत सारे लोग
के बहुत सारे सजेशंस आए हैं, तो सबने बोला कि थियोरी इंक्लूड करने, तो इसलिए मैंने ये वीडियो ये अब से मैं थियोरी इंक्लूड करूँगी, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वजाइना की बात हो गई, अब एपिथीलियल लाइनिंग की बात करते हैं। अभी इस्टिमस की बात करते हैं। तो देखिए इस्टिमस, और इस्टिमस मैंने आपको पहले ही बताया था, पर मेरा डायग्राम बहुत गंदा था। तो देखिए इधर बहुत क्लियर आपको व्यू मिल जाएगा। ये देखिए ये एनाटॉमिकल इंटरनल लॉस है इधर, और ये नीचे हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस है। तो ये जो एरिया है एनाटॉमिकल और ये हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस के बीच का एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इस्टिमस। तो ये 0.5 सेंटीमीटर का होता है, इसको नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लोअर यूटराइन सेगमेंट फॉर्म करता है 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और ये लेट प्रेगनेंसी में बेस्ट फॉर्म होता है। अगर हम लोअर यूटराइन सेगमेंट की बात करेंगे तो इस्टिमस से वो 70% फॉर्म होता है, और सर्विक्स से 30% फॉर्म होता है। और हमने क्या पढ़ा है ऑलरेडी किया ना, देखो सिजेरियन सेशन में आपको है ना ये यूट्रोवेसिकल फोल्ड आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पता चलेगा उससे कि है ना हाँ ये इस्टिमस के लेवल पे है, तो आप आराम से इस्टिमस तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने जो अभी आपको बताया वो लिखा हुआ है। और सर्विक्स की भी इधर ही बात कर लेते हैं, ये वाले डायग्राम में अच्छा विजिबल है। तो देखिए सर्विक्स क्या है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस है, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस टू द एक्सटर्नल लॉस। तो ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस से एक्सटेंड होके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्सटर्नल लॉस तक के जो बीच का एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको सर्विक्स बोलेंगे। तो ये कौन से शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, और ये 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ और डायमीटर में। तो सर्विक्स का जो सुप्रा वजाइनल पार्ट है, ये देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम एंडो सर्विक्स बोलेंगे। और जो पार्ट ये वजाइना में लाए होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्टोसर्विक्स। तो एंडोसर्विक्स टॉल कॉलमनार एपिथीलियम से लाइंड है, और एक्टोसर्विक्स किससे लाइंड है, नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम से। और जहाँ पर ये एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स ग्रेजुअली चेंज हो रहा है स्क्वामस एपिथीलियम में, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन का एक और एक नाम क्या है, स्क्वामो कॉलमनार जंक्शन। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो ये स्लाइड में, वो सारे पॉइंट्स मैंने दिए। अभी ये देखिए ये एक्सटर्नल ऑक्स एक्सटर्नल ऑस है, ठीक है, तो नली पैरिस वुमेन में क्या रहेगा, ये पिन पॉइंट रहेगा, नली पैरिस वुमेन में पिन पॉइंट या सर्कुलर रहेगा एक्सटर्नल लॉस। और ये देखिए इधर, और मल्टी पैरिस वुमेन में क्या रहेगा, स्लिट लाइक रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन का आपको इधर बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक्टोसर्विक्स है, ये देखिए एक्टोसर्विक्स और ये एंडोसर्विक्स है, और बीच में जो है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल जोन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। देखिए इधर भी आपको दिख रहा है ये एक्टोसर्विक्स है, ये एंडोसर्विक्स है। ये देखिए जो एक्टोसर्विक्स है वो देखिए शाइनी पार्ट है, ठीक है, स्मूथ और शाइनी। और एंडोसर्विक्स देखिए, ये देखिए ये रफ है और इसका रेड सरफेस है, और जो बीच में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। तो इसमें है ना नेबोथियन सिस्ट बहुत कॉमन है, ठीक है,
इधर नेबोथियन सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाली एनाटॉमी से ये होगा, क्रॉस होगा। तो देखिए ये देखिए, ये मैंने कॉल्पोस्कोपी का ये किया है डायग्राम इंक्लूड के। ये देखिए, ये नल्ली पैरिस वुमेन का है और ये मल्टी पैरिस वुमेन का है। इधर देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, ये रेडिश, और इधर देखिए ये नेबोथियन सिस्ट दिख रहे हैं, ये बहुत सारे इधर। और अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अभी इधर है ना, इंटरनल लॉस आपको दिख रहा है, इंटरनल लॉस। तो ये देखिए, हिस्टोलॉजिक एनाटॉमिकल ऊपर होता है, हिस्टोलॉजिकल नीचे होता है। इसके बीच में जो हिस्सा रहेगा यूट्रस का, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, इस्थमस बोलेंगे। तो एनाटॉमिकल कहाँ पर है, जहाँ पर एंडोमेट्रियल कैनाल है ना, एंडो सर्वाइकल कैनाल बन रही है एनाटॉमिकली। और हिस्टोलॉजिकल ऑस कहाँ पर है, इंटरनल ऑस, जहाँ पर हिस्टोलॉजिकल एपिथीलियम ऑफ यूट्रस चेंज हो रहा है एपिथीलियम ऑफ सर्विक्स से। तो ये इस्थमस जो एरिया है वो एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच का एरिया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, ये देखिए ये यूट्राइन आर्टरी है, तो ये इस्थमस के लेवल पे, ठीक है, ऊपर जाना बिगिन हो रही है, ठीक है, अपवर्ड जा रही है। और हमने ऑलरेडी ये कर दिया था कि इधर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, इधर ये लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है पेरिटोनियम। तो उस वो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है इंटरनल लॉस का, कब, LSCS के टाइम पे। और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट ये लेवल पे ये होते हैं, लाए होते हैं। ये देखिए, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है जो पीछे से स्टार्ट होता है, और कार्डिनल लिगामेंट का है ये देखिए। तो ये इस्थमस के लेवल पे दोनों है ना, ये हो रहे हैं इस्थमस के लेवल पे शुरू हो रहे हैं। सैक्रल लिगामेंट का पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आपने देखा होगा तो पूरा वीडियो। तो हमने क्या बोला था कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट सर्विक्स को कहाँ पर पुल करता है, बैकवर्ड करता है, ठीक है। और राउंड लिगामेंट अभी हमने पढ़ाई की है ना, ये कॉर्नो ऑफ यूट्रस से चालू होता है, तो राउंड लिगामेंट ख़त्म होता है कॉर्नो ऑफ यूट्रस पे, उसका अटैचमेंट है। तो राउंड लिगामेंट क्या करता है, उसको फॉरवर्ड पुल करता है यूट्रस को। तो यूट्रस की एंटी फ्लेक्स और एंटी वर्टेड पोजिशन मेंटेन रहेगी। तो ये एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन है क्या, वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये इंटरनल लॉस के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए ये है। अभी मैं आपको बताती हूँ एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन ऑफ यूट्रस की, और ये पोजीशन है तो वो कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले आप देखिए, ये वजाइना, एक्सिस ऑफ वजाइना आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ वजाइना ऐसे जा रहा है, और एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी यूट्रस का एक्सिस कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यूट्रस के, ये जो एंगल फॉर्म, ये देखिए इधर मैं बताती हूँ, ये देखिए ये एक्सिस ऑफ वजाइना है, ये एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ सर्विक्स है बीच में। ये तीन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ वजाइना, एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी और एक्सिस ऑफ सर्विक्स। तो ये देखिए, ये जो एक्सेस ऑफ यूट्राइन बॉडी और एक्सेस ऑफ सर्विक्स है, उसके बीच का जो एंगल है उसको एंटी फ्लेक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का रहता है, ये मोस्टली ऑलमोस्ट 120 डिग्री का होता है। कौन सा एंगल, एक्सेस ऑफ, जो एक्सेस ऑफ यूट्राइन बॉडी बना रहा है और एक्सेस ऑफ सर्विक्स बना रहा है। और जो एंटी वर्जन है, देखिए वह एंटी वर्जन कैसे याद रखेंगे आप, तो वी फॉर वर्जन, वी फॉर वजाइना, ऐसे याद रखिए। तो एक्सिस ऑफ वजाइना और एक्सिस ऑफ सर्विक्स जो बना रहे, ये वाला एंगल, तो उसको
एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक होता है। तो आई होप ये आपको ये एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए, अभी हम यूट्रस एंटी फ्लेक्स क्यों है, क्योंकि देखिए राउंड लिगामेंट उसको ऊपर से ऐसे ये हो रहा है, पकड़ रहा है, ठीक है, आगे पुल कर रहा है। और क्या हो रहा है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट अभी हमने देखे कि वो है ना ये हो रहा है, पोस्टीरियरली उसको ये कर रहा है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पोस्टीरियरली से खींच रहा है। तो ये क्या है, एंटी फ्लेक्स और एंटीवर्स पोजीशन यूट्रस की मेंटेन हो रही है। तो अगर क्या होगा कि यूट्रस रेट्रोवर्जन में क्या हो जाता है, यूट्रस ऐसे पीछे गिर जाता है, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा यूट्रस, ठीक है, पीछे गिर जाएगा, बैकवर्ड गिर जाएगा। तो ये दोनों लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट, उसको रेट्रोवर्जन से बचा रहे हैं, उसकी पोजीशन मेंटेन करके रख रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट देखिए, अब तक हमने यूट्रस में क्या क्या पढ़ा है, यूट्रस के हमने पार्ट्स पढ़ लिए, अभी एंटी फ्लेक्शन एंटीवर्जन पढ़ा है, मस्कुलर अरेंजमेंट उसकी पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर अटैचिंग यूट्रस एट द लेवल ऑफ कॉर्नू पढ़ लिया, और लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस पढ़ लिए। थ्रू लिगामेंट हमने पिछली वीडियो में बात करी थी यूट्रस की, अब हमने आज फॉल्स लिगामेंट भी देख लिया है। चलिए यूट्रस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अभी किस पे जाएंगे, अभी हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं यूट्रस का। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये देखिए आप इधर नोटिस करेंगे तो ये देखिए, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या कैरी कर रहा है, ओवेरियन आर्टरी और वेंस, ये देखिए ओवेरियन आर्टरी और वेंस कैरी कर रहा है। तो यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा से ओवेरियन आर्टरी और वेन आ रही है इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट के थ्रू, और ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आप अपने ध्यान में रखिए। सो बात करते हैं ब्लड सप्लाई की यूट्रस के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये यूट्राइन आर्टरी आपको इधर दिख रही है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि ये इस्थमस के लेवल पे ऊपर जाती है, असेंड करती है। तो यूट्राइन आर्टरी इस्थमस के लेवल पे ये होती है, एंटर होती है, और एक अपवर्ड ब्रांच देती है और एक नीचे भी एक ब्रांच देती है, देखिए नीचे भी एक ब्रांच दे रही है, डिसेंडिंग ब्रांच भी देती है। तो ये देखिए ये जो वजाइनल आर्टरी इधर आपको दिख रही है, तो वो है ना यूट्राइन आर्टरी की भी ब्रांच हो सकती है, या फिर वो डायरेक्टली एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियाक इंटरनल इलियाक आर्टरी से भी आ सकती है। और जो डिसेंडिंग ब्रांच है, ये देखिए जो नीचे जा रही है डिसेंडिंग ब्रांच, वो नीचे जाके किसको सप्लाई करेगी, सर्विक्स को और अपर पार्ट ऑफ वजाइना को। और अभी मैंने आपको बताया है कि देखिए ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आती है, इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट के थ्रू आती है। अभी देखिए ओवेरियन आर्टरी आई, ये देखिए ये ओवेरियन आर्टरी है, तो ये एनास्टोमोस कर रही है किससे, यूट्राइन आर्टरी से, यूट्राइन आर्टरी ऊपर जा रही है, और ये देखिए ये पूरा एनास्टोमोस कर रही है ओवेरियन आर्टरी से, और ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब को और यूट्रस को। और यहाँ पर देखिए आपको सैमसंग आर्टरी दिख रही होगी, तो ये यूजुअली यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच है, और ये किसको सप्लाई, ये राउंड लिगामेंट के थ्रू ट्रैवल करती है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि लोअर पार्ट ऑफ वजाइना और वल्वा को क्या सप्लाई करता है, कौन सी वेसल सप्लाई करती है, तो वो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, मेजरली इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ वजाइना और वल्वा को सप्लाई करती है, आप अपने ध्यान में रखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये यूट्राइन आर्टरी है, तो यूट्राइन आर्टरी कहाँ पर लेवल, कहाँ पर एंटर हो रही है, यहाँ पर एंटर हो रही है, देखिए यहाँ पर एंटर हो रही है इस्टमस के लेवल पे एंटर हो रही है। और फिर ये देखिए ये यूट्राइन आर्टरी ऊपर क्लाइंब हो रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, और क्या दे रही है, ये आर्कुएट ब्रांच,
आर्कुएट आर्टरी दे रही है, ठीक है। देखिए ये, देखिए ये आपको दिख रहा है इधर, ये आर्कुएट आर्टरी दे रही है और ये क्या एक आर्क बना रही है यूट्रस के आसपास, ठीक है। तो हम ये क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि ये देखिए ये आर्कुएट आर्टरी दे रही है और एक आर्क बना रही है, यूट्रस को पूरा 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 कवर करेगी, इधर से भी ऐसे 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 और इधर से भी ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए ये डायग्राम है, आप सिंपल डायग्राम है। तो ये यूट्राइन आर्टरी है और ये किसको आर्कुएट आर्टरी दे रही है अंदर, अभी हमने डिस्कस किया है। अभी देखिए आर्कुएट आर्टरी फर्दर किसको ये दे रही है, ये आर्कुएट आर्टरी के अंदर से जो निकल रहे हैं, तो ये क्या ये रेडियल आर्टरी निकल रही है, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी क्या दे रही है, रेडियल आर्टरी दे रही है और ये रेडियल आर्टरी फर्दर ये देखिए ये स्पायरल आर्टरी आपको दिख रही है, तो ये स्पायरल आर्टरी दे रही है। तो जो मायोमेट्रियम है ये देखिए ये मायोमेट्रियम है, तो उधर रेडियल आर्टरी है, मायोमेट्रियम में रेडियल आर्टरी है, ठीक है। और फिर बाद में ये जो ये आर्टरी है वो क्या है, वो है बेसल आर्टरी, ठीक है। तो बेसल आर्टरी है ये देखिए, तो बेसल आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट है, लोअर या डीपर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम में, ठीक है। वन थर्ड लेयर है जो एंडोमेट्रियम का उधर प्रेजेंट है, और सुपरफिशियलिस फंक्शनलिस लेयर में क्या है ये देखिए ये स्पाइरल आर्टरी प्रेजेंट है। तो मायोमेट्रियम में ये रेडियल आर्टरी प्रेजेंट है और फिर बाद में हम अगर डीपर लेयर देंगे एंडोमेट्रियम का समझो वन थर्ड और टू थर्ड में डिवाइड किए, तो जो वन थर्ड लेयर है वो डीपर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है, उसको बेसल लेयर भी बोलते हैं, और जो टू थर्ड ऊपर का लेयर है वो सुपरफिशियल फंक्शनलिस लेयर है एंडोमेट्रियम का। तो बेसल आर्टरी जो है यहाँ पर वो हार्मोन सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और जबकि हम दूसरी तौर पे स्पाइरल आर्टरी को देखेंगे तो वो हार्मोन सेंसिटिव है, तो मेंसेस के टाइम पे वो वैसो कंस्ट्रक्शन ये जो स्पाइरल आर्टरी आपको इधर दिख रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो वैसो कंस्ट्रक्शन में चले जाएगी, ये स्पाइरल आर्टरी वैसो कंस्ट्रक्शन में चले जाएगी, तो उधर का ब्लड सप्लाई ये हो जाएगा रुक जाएगा और क्या हो जाएगी स्ट्रेडिंग हो जाएगी, किसकी, सुपरफिशियल टू थर्ड लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो फिर बाद में क्या करेगी ये देखो ये जो बेसल आर्टरी है वो रीजेनरेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है, वापस से बिल्डअप स्टार्ट करेगी। तो बेसल लेयर रिस्पॉन्सिबल है नए एंडोमेट्रियम बनाने के लिए हर मंथ, क्योंकि मेंसेस के टाइम पे क्या हो जाता है सुपरफिशियल लेयर श्रेड ऑफ हो जाता है। तो हमने क्या सीखा भी स्पाइरल आर्टरी क्या है हार्मोन सेंसिटिव है और बेसल आर्टरी क्या है हार्मोन सेंसिटिव नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आई होप आप ये याद रखेंगे। तो अब बात कर, हमने अभी यूट्रस के बारे में पूरी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। सो ओवरी ये देखें ओवरी के आसपास क्या है, ओवरी किससे अटैच है ये देखें, मीडियली ओवेरियन लिगामेंट से और लैटरली सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, उसको क्या बोलते हैं लैटरली सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, उसको इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट भी बोलते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो देखिए ये है ना ओवेरियन फॉसा में अच्छे ओवरी का लोकेशन अगर आप देखेंगे ये देखिए, तो ये ओवेरियन फॉसा है, ये जहाँ पर ये लाइड डाउन हो रही है उसको क्या बोलेंगे ओवेरियन फॉसा ऑफ वैल्डेयर। तो अगर आप स्पून लीजिए और उसके ऊपर एक लेमन रख दीजिए, ठीक है, एक चम्मच लीजिए उसके ऊपर एक नींबू रख दीजिए, तो जो चम्मच का जो नीचे का हिस्सा रहेगा, जो चम्मच का हिस्सा रहेगा जहाँ पर नींबू रखा हुआ है वो हिस्से को क्या बोलेंगे हम, चम्मच के हिस्से को हम उसको ओवेरियन फॉसा बोलेंगे, कंसिडर करेंगे, और जो नींबू है वो ओवरी को कंसिडर करेंगे। तो देखिए कैसे मतलब कैसे सिंप्लीफाई हो गया आपको समझने में, तो वैसे याद रखिए। अभी हम रिलेशंस देखेंगे ओवेरियन फॉसा के,
पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड है, मीडियली किससे रिलेटेड है और लैटरली किससे रिलेटेड है। तो देखिए पोस्टीरियरली देखेंगे, देखिए ये ओवरी इधर है, इधर है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, ये देखिए ये कॉमन इलियाक आर्टरी है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी में डिवाइड हो रही है। मम्मी फोन मंगा रही है। ये देखिए पोस्टीरियरली आपको ये वाइट कलर की लाइन दिख रही है, वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो पास हो रहा है, तो वो क्या है, वो यूरेटर है, ठीक है। और उसके पीछे क्या है, ये इंटरनल इलियाक आर्टरी है और ये यूरेटर है। तो ओवरी ये वाइट पोर्शन है और ये जो उसके ऊपर पिंक पोर्शन है वो क्या है, वो फेलोपियन ट्यूब है। तो पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड है, ओवेरियन फोसा यूरेटर से और इंटरनल इलियाक वेसल से, आर्टरी और वेन। फिर लैटरली देखते हैं, ये देखिए लैटरली हमने ये पोस्टीरियर बोला, लैटरली है ना ऑब्टुरेटर नर्व और वेसल से रिलेटेड है। और मीडियली देखेंगे, देखिए ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, मतलब इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है। तो मीडियली किससे कनेक्टेड होगा, डेफिनेटली ओवेरियन लिगामेंट से, राइट। तो मीडियली ओवेरियन फोसा भी किससे रिलेटेड है, ओवेरियन लिगामेंट से। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैं यहाँ पर आपको ये विवर्नाक्यूलम के बारे में बताने वाली हूँ। तो ओवरी ये एम्ब्रियोलॉजी में थोड़ा जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं डिसेंड ऑफ ओवरीज आपको बताऊं, मुझे लगता है कि आपको डिसेंड ऑफ टेस्टिस पता होगा और उसको आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, स्क्रॉटम में, आउटसाइड द बॉडी। तो पहले से वो स्क्रॉटम में नहीं थे, ठीक है, टेस्टिस कहीं और डेवलप हुए फिर बाद में डिसेंड हुए स्क्रॉटम में। तो वैसे ही ओवरीज भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में डेवलप हुए और फिर बाद में ये जेनाइटल रिज में और फिर बाद में नीचे डिसेंड होते हैं। तो देखो अभी हमको पता है कि ये देखो, एक सेकेंड, तो ये देखिए ये गुबरनाक्यूलम आपको दिख रहा है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये टेस्टीज है, इधर भी एक, इधर दिख रहा नहीं है, इधर टेस्टीज है और फिर बाद में ये जो लाइन है वो गुबरनाक्यूलम है और नीचे ये क्या है, ये डेवलपिंग जेनाइटल स्वेलिंग है। तो ये किसको, ये क्या करेगा, लेबिया मेजोरा बनेगा फीमेल में और मेल में क्या बनेगा, स्क्रॉटम बनेगा, ठीक है। तो अभी गोनाइल है ना जेनाइटल स्वेलिंग से कनेक्ट है बाय लिगामेंटस टिश्यू, ये जो दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुबरनाक्यूलम बोलेंगे। तो ये गुबरनाक्यूलम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो, ये देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है, ये ब्लू लाइनिंग का, ये देखिए ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ। तो ये टेस्टिस का बता रहा है कि ये कैसे टेस्टिस को डिसेंड करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और गोनाइल को डिसेंड करता है कहाँ पर, डेवलपिंग जेनाइटल स्वेलिंग में। तो ये गुबरनाक्यूलम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में रहता है जहाँ पर गोनाइल्स डेवलप हो रहे हैं और नीचे एक्सटेंड करता है एंटीरियरली। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कहाँ पर आता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, और किससे पास होता है, डीप इनग्वाइनल रिंग से पास होता है। ये देखिए यहाँ पर डीप इनग्वाइनल रिंग आपको दिख रही है, ये देखिए ये जो है ये डीप इनग्वाइनल रिंग है। फिर उसके बाद में कहाँ आएगा, ये इनग्वाइनल कैनाल में आएगा गुबरनाक्यूलम, फिर उसके बाद में कहाँ आएगा, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग में आएगा इधर। तो मेल्स में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये हो जा रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट डिसेंड हो जा रहा है। बट अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो बीच में क्या, फीमेल की बात करेंगे तो बीच में क्या आ जाता है,
बीच में अपना यूट्रस आ जाता है, राइट। तो यूट्रस की वजह से ये क्या हो जाता है, ये गुबरनाक्यूलम, ये देखिए ये गुबरनाक्यूलम अटैच हो जाता है यूट्रस से, ठीक है। तो ये जो यूट्रस से अटैच हो रहा है और फिर बाद में ये देखिए नीचे आता है, तो इसको क्या, ये क्या बन जाता है आगे जाके, ये बन जाता है ओवेरियन लिगामेंट, और फिर बाद में नीचे आके क्या बन जाता है, राउंड लिगामेंट। तो हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था बहुत अच्छे से राउंड लिगामेंट के बारे में। तो राउंड लिगामेंट क्या होता है, देखिए राउंड लिगामेंट पास होता है सुपरफिशियल डीप इंग्वाइनल रिंग से, फिर उसके बाद में अंदर इंग्वाइनल कैनाल से पास होता है, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से निकलता है, और फिर बाद में लेविया मेजोरा पे क्या होता है, एंड होता है, आके अटैच होता है। तो फिर फीमेल्स में गुबरनाक्यूलम किसको रिजल्ट करता है, किस में डेवलप होता है, राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट में। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस से, और राउंड लिगामेंट कॉर्नो ऑफ यूट्रस से अराइज होता है, फिर वही गुबरनाक्यूलम का पाथ लेता है, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और फिर बाद में अपने आप को किससे अटैच कर देता है, लेबिया मेजोरा से। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट किससे डेवलप हुए, गुबरनाक्यूलम से। देखिए हमने ओवरी कवर कर लिया है, ये उसके ये डेफिनेशन, गुबरनाक्यूलम भी देख लिया है, ओवेरियन फोसा भी देख लिया है, और ये भी देख लिया है कि है ना ओवरी किससे अटैच है, ये ब्रॉड लिगामेंट में पोस्टीरियर लेयर है उसका, तो वो मीजो ओवेरियम हमने देखा था स्टार्टिंग में, और पेल्विक वॉल से अटैचमेंट किससे, किसके थ्रू है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट के थ्रू है। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम फेलोपियन ट्यूब के को देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ये इंटरस्टिशियल पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का, तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है जहाँ पर है ना फेलोपियन ट्यूब एंटर हो रही है यूटराइन कैविटी में, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल पार्ट, इसको इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ये क्या, ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, ये मसल फाइबर्स कॉर्नो के मसल फाइबर्स से सराउंडेड है, यूट्रस के जो कॉर्नो पोर्शन है उस कॉर्नो पोर्शन है उसके मसल फाइबर्स से सराउंडेड है। अभी हम देखते हैं ईस्टेमस को, तो ईस्टेमस क्या, ये सेकेंड नैरोएस्ट पार्ट है एनाटॉमिकली, ये नैरोएस्ट पोर्शन है जस्ट आउटसाइड द इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिर अब हम आते हैं एम्प्यूला पे, जो कि यूट्रस का सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और ये डिस्टिंक्ट पोर्शन जो है फेलोपियन ट्यूब का, उसको हम इनफंडिबुलम बोलेंगे। तो इनफंडिबुलम पोर्शन में कि आपको फिम्ब्रिय दिख रहे हैं, तो ये बहुत सारे इसके पास फिम्ब्रिय है, ठीक है, तो इसको फिम्ब्रियल एंड भी बोलते हैं। तो अब ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि है ना फेलोपियन ट्यूब किससे लाइंड है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम से, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम से लाइंड है। तो उसकी ये देखिए सीलिया है, इधर बहुत सारे सीलिया है, तो वो क्या करते हैं, वो है ना कंटिन्यूसली बीट करते हैं यूट्राइन कैविटी की तरफ, ये साइड सारे बीट करते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं। तो देखिए ये जो फिम्ब्रियल एंड है, फिम्ब्रियल एंड, ठीक है, ये ओवम पिकअप में हेल्प करेंगे, ठीक है। एम्प्यूला क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, और एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट रहेंगे कंसेप्शन के, तो उसको हमें यूट्राइन कैविटी की तरफ पहुंचाना है, राइट। सो ये जो मैंने अभी आपको ये सीलियरी एक्शन बताया है एपिथेलियल लाइनिंग का, तो वो हेल्प करता है, और पेरिस्टल्सिस भी हेल्प करता है फेलोपियन ट्यूब का। तो सीलिया क्या होते हैं, कंटिन्यूसली बीट हो रहे हैं यूट्राइन कैविटी की तरफ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, कंसेप्टस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, यूट्राइन कैविटी की तरफ। तो एक बार देखिए जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है ना, सो
उसको क्या अच्छी नरिशमेंट की ज़रूरत है, अगर नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब क्या प्रोवाइड करते हैं? उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं फेलोपियन ट्यूब ज़ाइगोट को। तो कंटिन्यूस तो जो ट्यूबल सिक्रीशंस है, ठीक है, ट्यूबल एपिथीलियम है, उसमें क्या है सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ जो ट्यूबल सिक्रीशंस है वो पाइरूवेट में रिच होते हैं। सो ट्यूबल सिक्रीशंस आर रिच इन पाइरूवेट, सो दिस पाइरूवेट इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ द कंसेप्टस। ओके, तो ये पाइरूवेट से एनर्जी डिराइव होती है किसको? जाइगोट को, कंसेप्टस को। तो फेलोपियन ट्यूब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, एक बार उसकी साइजेस देख लीजिएगा अलग अलग पोर्शन की, और फिर बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी देखो, हमने यूरेटर, पेल्विक यूरेटर की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये यूरेटर है, ठीक है, ये जो येलो पोर्शन है, तो यूरेटर नीचे साइड है और ये क्या यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी ऊपर साइड है। तो एक बहुत कॉमन फ्रेज है यहाँ पर याद रखने का, वाटर अंडर द ब्रिज। तो वाटर क्या है, किसको रिफ़र कर रहे हैं अपन? यूरेटर को रिफ़र कर रहे हैं। तो वाटर अंडर द ब्रिज, पानी के नीचे, पानी नीचे है, ब्रिज ऊपर है। तो ब्रिज किसको रिफ़र कर रहे हैं हम? यूटराइन आर्टरी को रिफ़र कर रहे हैं। तो ये जो यूरेटर है आप देखेंगे ये बहुत क्लोज है सर्विक्स के से, ठीक है, एट द लेवल ऑफ इस्थमस ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऑलमोस्ट इसकी कितना ये होगा, डिस्टेंस होगा 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये बहुत कॉमन साइट है जहाँ पर है ना यूरेटर को इंजरी हो जाती है, यूरेटिक इंजरी की गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के दौरान। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करती हूँ ये कोट के साथ। व्हेन वी स्टडी टुगेदर वी लर्न टुगेदर एंड वी वर्क टुगेदर, वी वर्क टुगेदर एंड वी प्रॉस्पर टुगेदर। सो आई होप आप आगे भी वीडियोस गायनेकोलॉजी के हमारे साथ जुड़े रहे। अभी हमने एनाटॉमी पूरा कवर कर लिया है फीमेल जेनिटल सिस्टम का, अभी हम नेक्स्ट वीडियो फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम की बात करेंगे, और फिर बाद में हम सारी पैथोलॉजीज़ लेंगे, सारी सर्जिकल टॉपिक्स लेंगे। तो आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें, उनको भी जिनको नहीं पता है मेड पर्सपेक्ट के बारे में उनको भी आप बताएं ताकि उनको भी स्टडीज़ में हेल्प हो। अगर आप हमारा ये हमारा बहुत अच्छा टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम वहाँ पर सारे नोट्स डालते हैं, सारे नोट्स अवेलेबल है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करें, और थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।